कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में लगी एम्बुलेंस हुई खटारा। सड़कों पर मरीजों को ले जा रही खटारा एम्बुलेंस, मरीज से ज्यादा बीमार है इस वक्त जिले की एम्बुलेंस। इस वक्त मरीजों की जान के साथ स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ करता दिखाई दे रहा है, जहां पर एम्बुलेंस के पुर्जे हिलते दिखाई दे रहे हैं। खटारा एम्बुलेंस का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कछावा स्वास्थ्य केंद्र में लगी ये जो एम्बुलेंस थी किस खटारा हालत में हो चुकी है। मिर्जापुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में लगी एम्बुलेंस के हाल बेहाल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर मरीजों की जान के साथ इस वक्त खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में तैनात जो एम्बुलेंस है, इसकी हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मरीजों की जान के साथ इस वक्त स्वास्थ्य विभाग खुलेआम खिलवाड़ करता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से एम्बुलेंस जो है वो क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही है। ऐसे में इस एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। कछुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। वैसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मिर्जापुर संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संतोष, मिर्जापुर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर एक खस्ता हाल एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, मिर्जापुर से लगभग जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर यह कछवा बाजार है। यहाँ पर सामुदायिक केंद्र है और सामुदायिक केंद्र में जो परिजनों को मरीजों को जो एम्बुलेंस ले जाने और ले छोड़ने का काम करती है, वो उसका हाल पूरा खस्ता हाल है। जगह जगह से बॉडी उसके फटे हुए हैं, उसकी पहिया डैमेज है, उसके पेंट अच्छे नहीं है। हर तरीके से देखा जाए तो वो एम्बुलेंस मरीजों को ढोने का काम नहीं कर सकती, वो पूरी तरीके से एक्सपायर हो जा चुकी है। लेकिन वहाँ का जो है प्रबंधक इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और लगातार उसी खस्ता हाल एम्बुलेंस से मरीजों का आवागमन जारी किए हुए है। कहीं ना कहीं ये मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि सरकार से इसको अच्छा खासा मरम्मत के लिए, उसके नए एम्बुलेंस के लिए तमाम योजनाएं हैं, पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की हरकत को करके मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीच में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी न किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। एम्बुलेंस का पूरा जो है ये जिम्मेदार यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधक है। संतोष, इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला वायरल होता दिखाई दे रहा है, तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, ऐसे में कछुआ स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि हमने यहाँ पे जो है एक सरकार से मैंने पैसे की प्रस्तावना भेजी है, वहाँ से जैसे ही सेंशन होगा वहाँ से नई एम्बुलेंस आएगी तो हम उसको आवागमन जारी करेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास कोई फंड नहीं आता है तब तक हम इसी एम्बुलेंस से सेवा देते रहेंगे। संतोष, जो पूरा ये मामला एक जगह से सामने आया है, एक स्वास्थ्य केंद्र से, मिर्जापुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या सिर्फ एक तस्वीर है जो इस प्रकार से दिखाई दी है, या फिर स्वास्थ्य विभाग की ऐसी तमाम तस्वीरें जो वहाँ पर आम दिन देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ पे जो इसके सीएमओ हेड होते हैं वो मिर्जापुर जनपद में बैठते हैं, वो 3 जिलों की चार्ज में है। उनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन जब एम्बुलेंस का नाम आया हिला हवाली करते हुए वो बाइक देने से मना कर दी, इस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर बेईमानी का रूप अख्तियार करके सरकार के साथ धांधली और पैसे का गमन दिखाई पड़ रहा है। सरकार समय समय पर पैसा मरम्मत के लिए और नए एम्बुलेंस के लिए देती आई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो सिस्टम है इस सिस्टम कहीं न कहीं बेईमानी का कार्य कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिर्जापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के हालात जो है वो खस्ता हाल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली आप खुद ही देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस
इस वक्त मरीजों को ढोने का काम कर रही है, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आप तस्वीरें देखें किस प्रकार से जो एम्बुलेंस है, इसके हाल देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कछुआ स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार से जो वहां पर लोग हैं या जो भी डॉक्टर हैं वो किस प्रकार से मरीजों की देखभाल करते होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।